नमस्कार, ज्योतिष सीरीज में भाग 17 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कल के वीडियो में हम बात कर चुके हैं सूर्य अन्य ग्रहों के साथ युति बनाकर व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार के परिणामों को देते हैं, व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है, उसे जीवन में किस प्रकार के परिणाम मिलते हैं, इसके बारे में हमने कल की वीडियो में चर्चा की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अगर चंद्र ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ युति करते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो आज की वीडियो में हम चंद्र के अन्य ग्रहों के साथ युति के बारे में चर्चा करने आए, जिसमें चंद्र के साथ मंगल की युति, क्योंकि चंद्र और सूर्य की युति के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। जो हमने सूर्य की युति में चर्चा की थी उसमें सूर्य और चंद्र की युति के परिणाम मैं बता चुका हूं। आज हम अब बात करने जा रहे हैं चंद्र मंगल, चंद्र बुध, चंद्र गुरु, चंद्र शुक्र और चंद्र शनि की युति के बारे में। अगर यह किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव पर यह युतियां बनी होती है तो वह व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र मंगल के साथ युति में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव देते हैं। चंद्र ग्रह हमारे मन का कारक है, जबकि मंगल ग्रह को हम पराक्रम और उत्साह का कारक मानते हैं। अगर चंद्र और मंगल किसी भी कुंडली में एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं और इनमें अगर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाती है तो ऐसे जातक को रक्त से संबंधित विकार आ जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह से व्यक्ति को रक्त से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं। हालांकि चंद्र और मंगल की स्थिति अगर शुभ हो तो व्यक्ति की कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है, जो व्यक्ति को अत्यधिक धनवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक वीर होता है और हर संग्राम में विजय पाने वाला होता है। हालांकि व्यक्ति के अंदर क्रोध की मात्रा भी अत्यधिक होती है, क्योंकि अगर मंगल ज्यादा बलवान स्थिति में होते हैं तो चंद्र पर उग्रता सवार हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति में अत्यधिक क्रोध आ जाता है और व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सोने चांदी के व्यापार में अच्छा धन अर्जन करता है। अगर चंद्र और मंगल की शुभ स्थिति कुंडली में बनी होती है, दोनों शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो यह योग व्यक्ति के लिए शुभ माना गया है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र और बुध की युति बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों में आसक्त रहता है। हालांकि चंद्र और बुध की युति व्यक्ति को सुंदर शरीर वाला बनाती है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा कवि हो सकता है, उसके अंदर किसी भी विषय पर कविता बनाने की एक अनोखी क्षमता होती है। चंद्र और बुध की युति व्यक्ति को धनवान बनाती है। ऐसा व्यक्ति हसमुख होता है और व्यक्ति में अच्छे गुण व्याप्त रहते हैं, क्योंकि चंद्र को हम मन का कारक मानते हैं जबकि बुध को बुद्धि का कारक मानते हैं, व्यापार का कारक मानते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यापार में भी अच्छी सफलता अर्जित करता है, अगर शुभ स्थिति में कुंडली में चंद्र और बुध विराजमान रहते हैं तो। ऐसा व्यक्ति दूसरों के हित के लिए सोचता है, वह व्यक्ति अत्यधिक दयावान होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र और देवगुरु बृहस्पति की युति बन जाती है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। वह हमेशा देवताओं और गुरुओं का सम्मान करता है और उनकी पूजा करने वाला होता है। वह अपने साथ साथ अपने मित्रगण बंधुओं को प्रतिष्ठित बनाने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्र की युति व्यक्ति को धनवान बनाती है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक मजबूत प्रवृत्ति का होता है। वह किसी चीज का अगर संकल्प कर लेता है तो उसके संकल्प में दृढ़ता देखी जाती। ऐसा व्यक्ति हर किसी से प्रेम करने वाला होता है और व्यक्ति का स्वभाव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। व्यक्ति बहुत शांत रहता है। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र या व्यवसाय के लिए भी यह युति बहुत शुभ मानी गई है। अगर यह युति केंद्र भाव में बनती है, यानी पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव और दसवें भाव में, तो इस युति के व्यक्ति को अत्यधिक लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन यापन करता है। अगर किसी जातक के कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग के काम में बहुत अच्छे परिणामों को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज को बहुत चतुराई से बेच सकता है।
वह बेचने योग्य हो या ना हो, या किसी भी महंगी चीज को अपने फायदे अनुसार बहुत आसानी से खरीद लेता है, जिसमें उसे लाभ की भी प्राप्ति होती है। यानी अगर हम सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति बेचने खरीदने में बहुत चतुर होता है। हालांकि इस युति में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो व्यक्ति पाप कर्म करने वाला भी बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि में हर समय पाप से संबंधित कार्य चलते हैं, यानी पाप बुद्धि वाला बन जाता है। शुक्र और चंद्र की युति पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति कलह करने वाला बन जाता है। वह किसी भी स्थान पर जाएगा तो कलह की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर यही युति शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को सफेद चीजों के व्यवसाय में अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों का मन संगीत, गायन और कलात्मक कार्यों में ज्यादा रहता है और व्यक्ति इन क्षेत्रों में नाम कमाता है। व्यक्ति के सुख समृद्धि के लिए भी शुक्र और चंद्र की शुभ स्थिति और युति बहुत शुभ मानी गई है। अगर किसी जातक के कुंडली में चंद्र और शनि की युति बन जाती है तो यह व्यक्ति के लिए विषयोग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कुत्सित स्वभाव वाला होता है। ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों से धन अर्जन करता है। व्यक्ति का मन हर समय विचलित रहता है। ऐसे व्यक्तियों के पुत्रों की संख्या भी कम होती है। व्यक्ति का खिंचाव गलत कार्यों की ओर होता है। व्यक्ति के लिए यह युति नकारात्मक परिणाम देने वाली होती है और व्यक्ति के जीवन में यह युति यानी चंद्र और शनि की युति परेशानियों को लेकर आती है। इसमें अगर राहु और केतु की दृष्टि इस युति पर पड़ जाती है तो यह व्यक्ति के लिए अत्यधिक कष्टदायक बन जाती है। तो यह था चंद्र ग्रह का अन्य ग्रहों के साथ युति के परिणाम। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल की वीडियो में हम मंगल ग्रह के अन्य ग्रहों के साथ युति के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो को आप यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे अनुमति चाहता हूँ, और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।